Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4. I'm your social studies teacher, and as you know that we have completed our unit number 3, our past. And now it's time to do the exercise question answer of unit number 3 on textbook page number 43. Students, let's try to see the question number 1 of exercise. That is, describe how the archaeologists have divided the एजेस. किस तरह से माहिर आसार कदीमा ने ज़माने को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है. लेट्स ट्राई टू सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. एज यू कैन सी हेयर द आर्क्योलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस इनटू डिफरेंट एजेस दैट आर. माहिर आसार कदीमा ने अर्ली जो इंसानों की अर्ली हिस्ट्री है या इब्तदाई हिस्ट्री है उसको मुख्तलिफ अदवार में तकसीम कर दिया है. और वो मुख्तलिफ अदवार कौन से हैं? नंबर 1 इज़ स्टोन एज, नंबर 2 इज़ मेटल एज, एंड नंबर 3 इज़ मॉडर्न एज. एंड स्टूडेंट्स, यू कैन सी द डिफरेंट टूल्स ऑफ स्टोन एज इन द पिक्चर. एंड इन मेटल एज यू कैन सी डिफरेंट टूल्स दैट वर यूज इन Metal Age, and you can see the tools and buildings of Modern Age. So, there are different ages which are mentioned here. Now, try to see the question number 2 of exercise, that is, explain what AD and BC mean. AD or BC se kya murad hai? You can see the answer of the question number 2. Which is BC refers to the time before the birth of Prophet Isa alayhi salam, and AD refers to the time after the birth of Prophet Isa alayhi salam. यानी BC हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश के पहले का टाइम पीरियड है और AD हज़रत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश के बाद के वक्त को शो करता है. Let's try to see the question number 3 of exercise. Where do you think the Indus Valley civilization got its name from? Indus Valley civilization ka naam kaise pada? Let's try to see the answer of the question number 3. As you can see here, the answer is the Indus Valley civilization got its name from river Indus. Because all the remains of the civilization were found around river Indus. And students, you can see here the remains of Indus Valley civilization. Now try to see the question number 4 of exercise. That is, describe how the Indus Valley civilization was. Students, you can find the answer of this question on workbook page number 38. Question number 5 of exercise of unit number 3, our past, on textbook page number 43 is, how did the Indus Valley civilization come to an end? Indus Valley civilization ka khatma kis tarah se hua? Students, let's try to see the answer of the question here. इसके बारे में मुख्तलिफ हिस्टोरियंस के मुख्तलिफ बिलीव्स हैं. नंबर 1, सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ फ्लड्स, ड्राउट और एनी नेचुरल डिज़ास्टर. कुछ तारीख दान कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इख्तिताम है वो किसी भी कुदरती आफत के थ्रू हुआ है. यानी इस कुदरती आफत में कोई भी आफत हो सकती है, लाइक फ्लड हो गया, ड्राउट हो गए, या एनी अदर नेचुरल डिज़ास्टर, मे बी अर्थक्वेक. नंबर 2 इज़ अदर्स से दैट द पीपल ऑफ द सिटी माइग्रेटेड. और कुछ तारीख दान कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने हिजरत कर ली थी. एंड नंबर 3 इज़ सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट इट वॉज़ इन्वेडेड बाय आर्यंस. और कुछ तारीख दान कहते हैं कि यहाँ पे आर्यन का हमला हो गया था जिसकी वजह से ये सब डिस्ट्रॉय हो गए थे और इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया था. सो डिफरेंट बिलीव्स
are here. Now the question number 6 of exercise is, how do we know that the people of Indus Valley civilization were a trading community? हमें ये किस तरह से पता चलता है, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ के लोग जो थे वो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थे या वो ट्रेड करते थे. लेट्स ट्राई टू सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सील्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो द आर्कियोलॉजिस्ट केम टू नो और केम टू कंक्लूजन दैट दीज सील्स वर यूज बाय द ट्रेडर्स. So this proved that the Indus Valley civilization was a trading community. यानी हमें ये इस तरह से पता चलता है कि यानी ये ट्रेडिंग कम्युनिटी किस तरह से थे. तो यहाँ पे जो हमें सील्स मुख्तलिफ किस्म की इनके रिमेन्स है या यहाँ पे जो खंडरात हैं यहाँ से मोहरें मिली हैं या सील्स मिली हैं उनसे पता चलता है कि ये ट्रेडिंग कम्युनिटी थे. एंड स्टूडेंट्स एज यू कैन सी द डिफरेंट सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द पिक्चर. These seals tells us that the people of Indus Valley civilization were a trading community. Let's try to see the next question, question number 7 of exercise of unit number 3 of our past on textbook page number 43 is, who were Aryans? Aryans kaun the? Where were they from? Wo kahan se aaye the? Let's try to see the answer of this question. The Aryans were warriors who came from Central Asia. Aryan कौन थे? Aryan जंगजू थे जो Central Asia से आए थे. And students, as you can see here, the different pictures of Aryans here. जंगजू से मुराद है जो जंग लड़ने वाले हों, जिन्होंने ख़ास तरबियत हासिल की होती है जंग लड़ने के लिए, उन्हें हम जंगजू कहते हैं या वॉरियर्स कहते हैं. सो आर्यंस जो थे वो वॉरियर्स थे. लेट्स ट्राई टू सी द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3 अवर पास ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु केम आफ्टर द आर्यंस? आर्यंस के बाद कौन आए थे? लेट्स ट्राई टू सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The Persians came after the Aryans. Aryans के बाद जो आने वाले लोग थे उनको Persians हम कहते थे. Persians हम अब ईरान को कहते हैं, ईरानियों को कहते हैं. As you can see here the picture of Persians who came after Aryans. Let's see the next question of exercise, that is question number 9. How did Islam came to the subcontinent? बड़े सगीर में इस्लाम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था या कैसे आया था? लेट्स ट्राई टू सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. इस्लाम केम टू द सब कॉन्टिनेंट व्हेन मोहम्मद बिन कासम एंटर्ड विद हिज आर्मी इन 712 AD. हिज एंट्री इंट्रोड्यूस्ड इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट. स्टूडेंट्स जब मोहम्मद बिन कासम सिंध में इंटर हुए थे या सब कॉन्टिनेंट पे इंटर हुए थे तो उनकी वजह से इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था सब कॉन्टिनेंट में. एज यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ मोहम्मद बिन कासम हियर. एंड नाउ ट्राई टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. नेम द मुगल एम्परर्स हु राइट ए सेंटेंस एंड राइट इट सेंटेंस डिस्क्राइबिंग हाउ दे वर. पहले तो आपने मुग़ल बादशाहों के नेम राइट करने हैं, देन आपने उनके बारे में एक सेंटेंस डिस्क्राइब करना है कि वो किस किस्म के थे. स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन वर्क बुक पेज नंबर 40. लेट्स ट्राई टू सी द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ टेक्स्ट बुक. Write about the contributions made by Ibn Sina, Thomas Edison, Henry Ford and Ibn Battuta.
इब्न सीना, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और इब्न बतूता की कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में राइट करें कि उन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया था या ईजाद किया था. लेट्स ट्राई टू सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, इब्न सीना, ही मेड इन्वेंशंस इन मेडिसन एंड फिलोसफी. ही डिस्कस्ड अबाउट कंटीजियस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस इन हिज बुक कैनन ऑफ मेडिसन. Students, as you know that we have already discussed in very detailed way about Ibn Sina and about his contagious disease which he discussed in his book tuberculosis. Yani contagious disease matlab ek aisi janleva ya ek aisi waba jisko hum tuberculosis ya TB kehte hain, iske bare mein unhone apni book mein zikr kiya hai. And as you can see here, the picture of Ibn Sina here. Ibn Sina was a philosopher. So, next one is Thomas Edison. Thomas Edison was an American businessman and inventor. He invented bulb and motion picture camera. And as you can see here, the picture of Thomas Edison who invented bulb. And later on, he invented motion picture camera. And the next one is Henry Ford. He invented automobile known as Model T cars. It was very affordable. As you can see here, the picture of Henry Ford here. He invented automobile. And the next one is Ibn Battuta. He was traveler, famous for the journeys he took. He wrote the first travel book named Rahila. And as you can see here, the picture of Ibn Battuta here. And next question of exercise of unit number 3 is question number 12. Which invention do you think was the most powerful? आपके ख्याल में सबसे powerful invention कौन सी थी? In my opinion, wheel is the most powerful invention. पहिया जो थी या wheel जो था वो सबसे powerful invention थी. इसके बाद बहुत ज़्यादा inventions हुई और जो inventions already हो चुकी थी उनमें बहुत ज़्यादा development शुरू हो गई थी. So wheel is the more powerful invention. So students, this was to our today's lecture about the exercise question answer of unit number 3, our past. And students, try to memorize all these questions, and after memorization you will try to write all these questions on your notebook. Thank you so much for listening me, and very take care of yourself.